Hello guys, today we will learn about decomposition theorem. This is a most important part of graph theory and it is most important for your exam also. So what is decomposition theorem? Let V1 and V2 to be a non-adjacent vertices of a simple graph G. Let G dash be a graph which is obtained from G by adding on edge between V1 V2. Let G double dash be a graph which is obtained from G also by merging the vertices V1 and V2 together. Okay? तो इसको हम decomposition theorem बोलेंगे. ठीक है? ये graph है, चारों vertex है यहाँ पर और यहाँ पर दो vertex एक दूसरे के साथ adjacent नहीं है, एक दूसरे के साथ connected नहीं है, right? कौन सा दो वर्टेक्स है यहाँ पर जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है? बी एंड डी. ओके, तो ये जी ग्राफ है, जी नाम का ग्राफ. और एक ग्राफ है जी डैश. ओके, विच इज ऑप्टेंड फ्रॉम दिस ग्राफ. ये ग्राफ ऑप्टेंड है इस ग्राफ से. ओके, तो इस ग्राफ का तो यहाँ पर जो ए बी सी डी है, यहाँ पर भी ए बी सी डी है. ओके, तो ग्राफ में, जी ग्राफ में यहाँ पर बी एंड डी का कोई कनेक्शन नहीं था. बी डी एक दूसरे के साथ एडजेसेंट नहीं है, बट यहाँ पर बी एंड डी एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है. ओके, कनेक्टेड है. यहाँ आप देखिए, लेट जी डैश बी अ ग्राफ ऑप्टेन फ्रॉम जी बाई एडिंग एन एज, बाई एडिंग एन एज बिटवीन V1 एंड V2. ये V1 है, V2 है. ओके, बाई एडिंग एन एज बिटवीन V1 एंड V2. ओके, ये जी डैश हो गया. और जी डबल डैश जो है ये भी दिस ग्राफ इज ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम दिस ग्राफ. ओके, यहाँ पर क्या है, जी डबल डैश बी अ ग्राफ विच इज ऑप्टेन फ्रॉम दिस ग्राफ बाय मार्जिंग द वर्टिसेस V1 एंड V2. अगर आप इस बी एंड डी को आप मार्ज कर दे तो कैसी दिखती है वो ग्राफ? ऐसी दिखती है, ये जी डबल डैश ग्राफ है. ओके, विच इज ऑप्टेन फ्रॉम दिस ग्राफ बाय मार्जिंग द वर्टिसेस V1 V2 टुगेदर. यहाँ पर बी डी अगर आप मार्च कर देते तो ये ग्राफ ऐसी बन जाएगी. ओके, सिंस जी इज अ ट्री विथ फोर वर्टिसेस. ओके, यहाँ पर फोर वर्टिसेस है तो उसका, इस ग्राफ का ऑटोमेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? ये होगा. ओके, आप क्रोमेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मूला जानते हैं. अगर नहीं जानते तो मेरी क्रोमेटिक पॉलिनोमियल के वीडियो आप ज़रूर देखिएगा. ठीक है, अच्छा, तो जी डबल डैश की वर्टेक्स कितनी है? तीन वर्टेक्स है, तीन एज भी है, इसीलिए इस ग्राफ को हम K3 बोलेंगे. ठीक है, तो इस ग्राफ के लिए क्रोमेटिक पॉलिनोमियल कितना होगा? ये होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कलर 3 यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर क्रोमेटिक ग्राफ की पॉलिनोमियल कितनी होगी? ये होगी. अच्छा, बाई द अबव थ्योरम, इस थ्योरम से हम इस ग्राफ की पॉलिनोमियल क्या लिख सकते हैं? ये ग्राफ प्लस ये ग्राफ, इसीलिए मैंने इस ग्राफ की पॉलिनोमियल क्या होगा? ये प्लस ये. ओके, क्योंकि ये दोनों ग्राफ ही ऑब्टेंड है इस ग्राफ से, इस ग्राफ का पार्ट है, राइट? इस ग्राफ को अगर ये दो वर्टिसेस अगर ऐड कर दे तो ये ग्राफ होती है. अगर ये दो वर्टेक्स अगर मार्च कर दे तो ये ग्राफ होती है. तो ये टू ग्राफ इज द पार्ट ऑफ दिस ग्राफ. ओके, तो इसका जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा? इसका पॉलिनोमियल प्लस इसका पॉलिनोमियल. ओके, तो इसीलिए मैंने ऐसी लिखी है. ओके, तो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसका पॉलिनोमियल अगर देखा जाए तो हम इसको इस तरफ से अगर ले आए तो माइनस हो जाती है, तो इसका पॉलिनोमियल ऐसे भी होता है. ठीक है, अच्छा, जी डैश का अगर पॉलिनोमियल आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जी कॉमा एक्स का पॉलिनोमियल कितना है? इतना है, राइट? और इसका पॉलिनोमियल इतना है. तो इस ग्राफ का पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो गया, राइट? तो
इस तरह से आप डिकॉम्पोजिशन थ्योरम लिख सकते हैं। इसको हम डिकॉम्पोजिशन थ्योरम बोलेंगे। डिकॉम्पोजिशन थ्योरम के लिए जो जो तीन ग्राफ यहाँ पर यूज हो रहा है, अलग अलग करके तीनों का क्रोमेटिक पॉलिनोमियल हम फाइंड आउट करेंगे। इसका पॉलिनोमियल कितना है? इतना है। इसका पॉलिनोमियल इतना है। अगर और इस ग्राफ का पॉलिनोमियल हम क्या लिख सकते हैं आधारण में, हम इसका पॉलिनोमियल, अगर इसका पॉलिनोमियल प्लस इसका पॉलिनोमियल करते तो इसका फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका पॉलिनोमियल वैल्यू जानते हैं और इसका वैल्यू जानते हैं, इसका वैल्यू नहीं जानते। ठीक है, तो इस अगर इसके साथ इसका पॉलिनोमियल माइनस कर देते तो ये फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने वैसे ही किया। अब देखिए इसको आप ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू कर करके, राइट। तो ये हुआ आपका डिकम्पोजिशन थ्योरम। इफ दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू यू, देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।